मेरी बुलेट यहाँ पे डूब गई थी आधी पानी में। अब मैं उसका इंजन जो है ना वो डूब गया है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इसके बाद पानी जो है अगर थोड़ा सा और ऊपर आता है तो सीधे घर के अंदर आएगा। अभी हल्द्वानी में हमारे घर पे ये स्थिति है। यहाँ पे देखिए पानी, यहाँ पे करीबन 3 सीढ़ियाँ हैं और ये 3 सीढ़ियों को क्रॉस करके लास्ट में पानी यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। अभी रात का समय है, कैमरे में साफ नहीं आ पा रहा है। इतनी बारिश चल रही है करीबन 6 बजे से, 2 घंटे से ऊपर हो गया है बारिश को, और बारिश ऐसी हो रही है कि बिल्कुल बादल फटे वाली हो रही है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इसके बाद पानी जो है अगर थोड़ा सा और ऊपर आता है तो सीधे घर के अंदर आएगा, और अगर एक बार अगर ये घर के अंदर आ गया तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। पूरा घर साफ़ करना फिर तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। मैंने स्कूटी जो है वो तो बचा ली, यहाँ पे स्कूटी को मैं अंदर ले आया हूँ। बाकी मेरी जो बुलेट है वहाँ पे फंसी हुई है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ले भी जाऊँ तो कैसे ले जाऊँ। तो एक बार अगर बारिश रुक जाए या हल्की हो जाए तो मैं इसे निकालता यहाँ पर से, लेकिन बुलेट फंसी रह गई है और स्कूटी को तो मैंने कैसे कैसे बचा लिया है। ये आपको दिखाता मैं बाहर की स्थिति, यहाँ पर अभी साफ़ नहीं आ पा रहा है क्योंकि रात का समय है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत बड़ी, यहाँ पर एक गूल कहते हैं वो है यहाँ पर, लेकिन वो पूरी भरी हुई चल रही है पानी। मैं आपको दिखाऊँ ऊपर तक, ये देखिए यहाँ तक, ये कम से कम यहाँ पर 6 फीट की हाइट यहाँ पर है और 6 फीट की हाइट तक पानी चल रहा है, और जो चौड़ाई है कम से कम 12 फीट से ऊपर की चौड़ाई है यहाँ पर, और इसमें फुल पानी चल रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखो घर है और घर के आगे पूरी नदी बह रही है। ये नदी यहाँ पर बन गई है और आगे से ये पूरा इतना बड़ा जो नदी बन गई है, ये भी नहर, ये छोटी सी एक गूल बोलते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन ये गूल से बढ़ के पूरी नदी बोल सकते हैं आज इसे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी यहाँ पर, चारों तरफ पानी पानी है। अब बस थोड़ी सी ये बची है कि घर के अंदर सीधे सीधे आने से थोड़ा सा बचा है अगर बारिश रुक जाती, लेकिन आप देख रहे हो कैसी चाल चमक रही है। ऐसा ही होते रहा तो थोड़ी सी देर में पानी आ जाएगा अंदर और फिर हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं अगर अंदर को जाता हूँ, ये हालत हो रखी है, इतना पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी पानी है, सब कुछ इतना पानी भरा हुआ है, मैं करीबन इतना डूबा हुआ हूँ पानी में, मैं इतना डूब के चल रहा हूँ। जो हमारे घर के आगे का था यहाँ पर फ्रंट में, सब कुछ डूबा हुआ है, पानी ऐसा चल रहा है जैसे नदी घर के अंदर आ गई है। ये यहाँ पर पानी बह रहा है, चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है, एक तरफ से चारों तरफ से पानी ही पानी है। जल प्रलय जिसे बोलते हैं, वो जल प्रलय यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा एक ऊंचाई से पानी जो बह रहा है, ये कम से कम 2.5 फुट ऊँची एक यहाँ पर दीवार है, 2.5 से 3 फुट के आसपास में, उसके ऊपर से पानी ये बह रहा है, जो ये आपको ऊँचा ऊँचा दिखाई दे रहा होगा। और ये सारा पानी पानी यहाँ पर जल प्रलय हो रखा है। कैसे ये जो बादल फटा हुआ है ये रुक जाए तो आगे को जो हो सकता है वो ना हो और हम लोग थोड़ा बच जाएं। अभी आपको दिखाता हूँ अपने एक रूम की हालत, जहाँ पर क्या था कि ड्रेन वाला जो पाइप होता है उससे पानी अंदर आ गया। तो यहाँ पर वो ड्रेन का पाइप था, उससे पानी अंदर आ गया। वैसे हमने उसे बंद करने की, बूझा लगाने की बहुत कोशिश करी, पॉलीथीन डाली, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पानी जब बाहर इतना भर गया तो उसको कौन रोक सकता था। उससे जो रूम है वहाँ पर इतना पानी भर गया है, नीचे देखिए यहाँ पैरों पर पूरा पानी है, और यहाँ से लेके ये 2 कमरों में जाके पानी भर गया है, गंदगी आ गई है। अब इसको साफ़ करने में बहुत मेहनत लगेगी। अभी तो पानी आने में ही है, अभी पानी रुका नहीं है, इस एरिया से पानी अभी आ ही रहा है यहाँ पर। और शुक्र की बात बस इतनी है कि जो फ्रंट का है डोर हमारा, वहाँ से पानी नहीं आया। अगर वहाँ से आ जाता, भगवान के उससे अभी थोड़ी सी बारिश हल्की हुई, अगर वहाँ से पानी आया था तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाती, पूरे घर में पानी भर जाता। क्योंकि यहाँ पर एरिया छोटा सा था, एक छोटे से उससे पानी बहुत, फिर भी हमने बंद किया था, फिर भी आते आते पानी इतना भर गया। अगर फ्रंट से आ जाता तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती। पानी इतना भर गया है, ये पुराने वाले कुछ कमरे हैं इन पे पानी भर गया है। यहाँ पे मेरा स्टडी रूम हुआ करता था जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे पहले एक वीडियो में, वो सब भर गया है पानी से। अगर ये, हम तो फिर भी इतने में खुश हैं, अगर यहाँ पे भी रुक जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो साफ़ फिर भी कर लेंगे। लेकिन अगर ये फ्रंट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर से पानी आ जाता है। मैंने यहाँ पर एक थोड़ी सी बाड़ भी बनाई, पता है मुझे रुक तो सकता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एक थोड़ी सी कोशिश करी कि थोड़ा तो कुछ बच जाए। लेकिन अभी अच्छा रहा कि पानी यहाँ तक पहुँच गया था, बिल्कुल ऊपर तक, तो उसके बाद रुक गया है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा पानी कम होने लग गया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच गया, अब नीचे को पानी उतर रहा है। और भगवान इंद्रदेव की अगर कृपा रही और बारिश ना हो तो हम बच जाएंगे। ये सफाई तो कोई बात नहीं, इतनी तो कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। ये देखो मैं यहाँ पर आधा यहाँ पर डूबा हुआ हूँ पैरों में, और स्थिति सबसे बुरी क्या है, जो मेरी बुलेट है ना उसकी हालत देखो यार ज़रा। मेरी बुलेट यहाँ पर डूब गई थी आधी पानी में। अब मैं उसका इंजन जो है ना वो डूब गया है। साइकिल तो मेरी यहाँ पे डूबी हुई है, वो तो कोई बात नहीं यार। यहाँ पे देखो आप, बुलेट के टायर डूब चुके हैं, अगला टायर पूरा डूबा है, इंजन भी डूब गया। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ यार कि
कोई बात नहीं, बुलेट तो ख़राब तो हो ही गई, सही करा लेंगे, लेकिन अभी भी बारिश रुक जाए तो आगे की दिक्कत तो बच जाएगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैं आपको लेयर पहले दिखा रहा था, पानी इतना कम हो गया है। ये जो एक लाइन बन गई है ना, ये लाइन वही है, ये लाइन का मतलब ये है कि पानी यहाँ तक आया था, इतना कम हो गया, करीबन करीबन एक फुट के आसपास में पानी अभी कम हो गया है। ये यहाँ पे भी आपको पूरी एक लाइन बनी हुई दिखेगी हर जगह, ये सारी जो गंदगी है उसके साथ ये पानी जो लेके आया था वो यहाँ पर तक आ गया था। तो यहाँ पर एक लाइन इसने बना दी है, इतना इससे पता चल रहा है कि पानी का लेवल इतना घटा है। तो भाई चौक दे रखा है, दिखाओ। चलो अपनी बुलेट यार, इसीलिए बुलेट भाई होती है। ये आप देखो यहाँ तक डूबी हुई थी, यहाँ तक, यानी कि ये पूरा इंजन आधे से आधा डूबा हुआ था, अंदर सब पानी था, सब पानी है। उसके बाद भी भाई स्टार्ट हो गई, अब पता नहीं कल तक क्या होता है, अभी तो स्टार्ट हो गई है, इसीलिए बुलेट को बुलेट कहते हैं यार। अभी हो रहा है करीबन रात के 11 बजे का समय, और जो बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो उससे ये हुआ जो पानी अंदर आने का उस वक्त डर हो गया था वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर बारिश रुक जाती है रात भर तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रुकी और रात को फिर से ऐसी बारिश आई जैसा कि अभी मौसम बना हुआ है, तो भाई बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स देना। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा अभी 11 बजे हैं, कम से कम एक घंटे में अभी जितना गंदा हो गया था पानी का वो सब सफाई कर दूंगा, तो सुबह की जो टेंशन होती है वो निकल जाएगी। सुबह का एक लोड रहता है यार, सफाई करनी है। अब पहले तो मैं उसे साफ़ कर देता हूँ, फिर उसके बाद पता लगा फिर से बारिश हो गई, कहीं पानी पूरा भर गया, तो वो देखी जाएगी यार। कल ऑफिस भी छुट्टी कर लेंगे और फिर सफाई करते रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा, और मैं तो यार सबके लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि यार ये जो भी बारिश के कारण इतना ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है, तबाही मची हुई है, लोगों के घर बह जा रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ये सब कुछ रुके, बारिश थोड़ी कम हो यार, इतनी ज़्यादा हो गई। वैसे इसका कारण तो हम लोग ही हैं, हमारी वजह से जितना पॉल्यूशन हमने कराया, जितना हमने क्लाइमेट चेंज ये सब कुछ हो गया, इसके कारण इतनी ज़्यादा जो अतिवृष्टि हो जा रही है ये ना हो। सबके लिए मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, और आप लोग भी ब्लेसिंग करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत। हो गया पूरा काम, कर दिया हमने सफाई।